प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य के संदर्भ में दिनांक 23 अगस्त से 29 अगस्त के मध्य आने वाले सप्ताह का क्या राशि भविष्य होगा सिंह राशि वालों के लिए वर्णन करने जा रहा हूँ। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्या है कि आपको धार्मिक कार्यों में अभिरुचि बढ़ेगी और अभिरुचि बढ़ने का साथ भाग्य आपका साथ देगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान का जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है और संतान का सुख भी ठीक रहेगा। पूरे सप्ताह भर भरपूर मंगलमय संतान के साथ अच्छा बीतने वाला है, वो शुभ समाचार आपको मिलता रहेगा। और शनि आपका छठवां है, छठवां शनि रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपव्यय भी करा रहा है छठवां शनि, आपके लिए अनेक प्रकार से पैसा रुकने नहीं दे रहा है, टिकने नहीं दे रहा है। साथ साथ में आपका छठवां शनि आपकी छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ा रोष प्रकट करा रहा है, उनसे उनके रखरखाव में अप्रसन्नता जाहिर कर रहा है। इस प्रकार से आपके सिंह राशि वालों के लिए शनि नौवें जैसो मंगल चल रहे हैं, नौवें मंगल क्या कर रहे हैं, नौवें भाग में जब मंगल चलते हैं तो छोटे भाई बहनों के लिए कष्टदायक है, सुख में भी बाधा है, भवन भूमि वाहन ऐसो आराम में भी थोड़ी बाधक बने हुए हैं। इस प्रकार से आपका जो है पूरा सप्ताह थोड़ा सा भरा पूरा तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कटुता भी आपके इस सप्ताह में आने वाली है। और चंद्रदेव आपकी जो सिंह राशि से द्वितीय जैसो प्रथम दिन है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ तीन प्रकार से होंगे, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ यानी सप्ताह का अंत आपका ठीक नहीं है, सप्ताह के अंत में थोड़ा कष्ट रहेगा, बाकी सप्ताह का प्रारंभ और सप्ताह का मध्य आपको आनंद मंगलमय भरपूर अच्छा रहेगा और अंत जैसो सप्ताह का खराब है। शुक्रवार शनिवार आपको खास करके खराब जाने वाले हैं। इस प्रकार से आपको सिंह राशि वालों को ये सप्ताह समझ लेना चाहिए। और सिंह राशि वालों के ऊपर सूर्य देव और बुध देव है वो आपकी राशि पर भी चल रहे हैं, इसलिए सूर्य जब बहुवीर क्रोध ही स्वामी क्रोध की मात्रा आपकी बढ़ा रहे हैं, सिर में तेजस्विता बढ़ा रहे हैं, सिरो वेदना का भी कष्ट दे सकते हैं, नेत्रों में थोड़ा तनाव कर सकते हैं, पत्नी से थोड़ा मतभेद करा सकते हैं। सूर्य आपके जैसे लग्न में बैठे हुए हैं यानी आपकी राशि पर चल रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए सबसे अच्छा दिन है, व्यापार का श्री गणेश अगर कल से ही कर दें तो भी अच्छा है, कल बहुत उत्तम दिन है, गणेश जी का दिन है और श्री गणेश कल से व्यापारी वर्ग के लिए इसमें उत्तम फलदायक बनने वाला है। और स्त्री जाति जो कर्म क्षेत्र में लगी हुई है उनके लिए तो सर्वोत्तम फलदायक है, उनके लिए उन्नति का भी ये सप्ताह में कुछ खास उन्नति हो सकती है। इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। हरिओम।